बधाई आपको लेकिन हम लोग के घर गाड़ी सबका तो उठा लेगा, पुलिस वाले उठा लेगा।
दरवाजा जाके कर देते हैं, ताला बंद करके कर देते हैं, गाड़ी डाक के ले गए, गद्दा रजाई औरत अच्छी अच्छी मैडम जला दिया, ले भी गए थे जला भी दिया मैडम। पूरी गली ईटे से पूरी गली पूरी भरी हुई थी, हम लोग पार्क में बैठे, हम लोग ओढ़ के बैठे थे, घर से लेके आए लोग, टेंट वालों को मना कर दिए इन लोग को एक चीज मत देना, घर से लेके आए हम लोग के ऊपर से इस तरीके से लाठी से फेंक रहे हैं और कह रहे हैं चली जाओ नहीं तो अभी तुम लोग को यहाँ से बोरका उतार के नंगा करके तुम लोग को भगाएंगे। हम लोग को उठते देरी नहीं, वो लोग पार्क में पानी भर दिए पूरा, अब पूरा सुबह होते होते पूरी एक एक ईंट उठा करके टैंकर आ गया। हमारे शौहर नमाज पढ़ के निकल गए, हमारा बच्चा बारी बारी से बोलिए, हमारे शौहर नमाज पढ़ के निकल गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिए, मेरे बच्चा नहीं है मैडम, मेरा भी बेटा गिरफ्तार है, सिवनी कॉलेज में इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा, अभी पीछे पीछे, अरे अब क्या, अब कहाँ जाएं मैडम, कोई तैयारी आप सामने लो ना, बताइए पढ़ाई पे कितना असर पड़ेगा उसके। मेरा बेटा 19 साल का है, मेरा बच्चा 19 साल का है, नहीं पथराव किए तभी तो बच्चे पकड़ा पकड़ा के गए ना, लिख लो नाम और रैंक लिख लो, मना किया एक बार उन्होंने, आप उसी बिना मतलब आज 8 दिन हो गया मैडम, 8 दिन हो गया हो रहा है, सामने उनको बैठा के जितनी धाराएं सारी हमारे बच्चों को भी सारी बच्चों के साथ सारी धाराएं बच्चों को, अब वो इतने छोटे छोटे बच्चे उनकी तालीम का नुकसान हो रहा है, इसे भरपाई कौन करेगा, और वो हमारे ऐसे हैं कि वो बच्चों के अलावा कहीं जाने के लिए उनकी सारी वो जो उनके कागजात थे सब गए, कि जरा इसको देख लें और उसके लिहाज से इनको कोई हॉस्पिटल वगैरह मिल जाए, लेकिन वो तैयार नहीं है कि मैं बच्चों को छोड़ कर नहीं जा सकता, देखा और खाती रहूँगा, इसकी वजह से उनके खाने पीने में सारी दुश्वारी है, अब हार्ट पेशेंट हैं, अभी 5 साल पहले उनकी सर्जरी हुई है, अब बताइए कि कैसे, ना तो कोई खाना ढंग का मिल रहा है और ना कोई सोने का नज्म है इंतजाम है, उन बच्चों की वजह से वो कहीं और जा भी नहीं रहे हैं, तो अभी बताइए कि उनकी सेहत खराब होगी या खुदा खासकर पूछूंगा कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। दीदी उन लोग के डंडे से ये मुझे भी लगी है, इसमें बहुत ज्यादा चमक है और बहुत तकलीफ है इसमें चलने में, देखिए ये जो आजादी है।
डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को नहीं, घर ही में तेल मलने से काय किए हैं, अंदर से जैसे लग रहा है कोई चीज ऐसे खिंचाव हो रही है। बहुत से ऐसे लोग जिनके पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं, कहाँ से मैम दवा करेंगे ये बताइए। बच्चों को पढ़ा लेते हैं वही बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे जेल में है उनके साथ में इस तरह से कर रहे हैं, वो सब आतंकवादी तो है नहीं। जहाँ जाइए आप दीजिए, अगर दीजिए कैसा खाना होता है हम लोग नहीं जानते। हम लोग सरकार से ना पुलिस वालों से कौन मतलब थी, हम लोग को कार पर थलावी चलाते मारते। अब पुलिस वाले दस खाना बुला तो अभी 19 लोग जेल में कि 35 लोग? 35 लोगों को लेकर जा रहे हैं। कैसे डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रही है, एकदम बहुत डर के साथ बच्ची को लेके उठाते थे, भीड़ बकरियों की तरह से भरते चलो उस गाड़ी में, इन लोग को भीड़ बकरियों की तरह से भरते चलो, उठा उठा के बच्चों को डाल रहे। बच्चे दूल्हे पत्नी कितनी ज्यादा उनकी ताकत है। मेरे जो ससुर है नेतार अहमद सिंह, वो हार के पैसे जो एक मक्खी नहीं मार सकते हैं, जेल में नहीं, उनका भी नाम डाल दिया बेचारे, घर पे नहीं रह रहे, रात भर हम लोग बैठे इंतजार कर रहे पीछे वाले लोग आ जाए। बेटा थोड़ा और आ जाए, थोड़ा इधर आओ, आगे आ जाओ। आपका मैम, हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब कि एकदम शांति से लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, और मतलब कि नमाज कुछ लोग वहाँ पर तिलावत भी कर रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। जब हम लोग नमाज पढ़ दो तो पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ से उठें, और एक भी पुलिस यहाँ पर रुकेगी नहीं, सारी पुलिस यहाँ से उठ कर जा रही है। हम लोग सोचे कि अब चले जाएंगे, वहाँ पर हमारे भाई भी बैठे थे और सब वहाँ पर खड़े हुए थे बाहर, तो वो लोग भी सोचे कि अब शायद पुलिस चली गई थी, तो आधे लोग वहाँ से कम हो गए और आधी औरतें भी कम हो गई। तो फिर अचानक 4 बजे के करीब कुछ लोग वहाँ पर तिलावत भी कर रहे थे, अभी नमाज कुछ लोग पढ़ रहे थे और कुछ वहाँ पर बैठे हुए थे, एकदम शांति से, कुछ कोई भी शोर नहीं हो रहा था। तो अचानक पुलिस आई और बगैर साइलेंस के, साइलेंस नहीं था, और आते ही फौरन हमारे ऊपर आंसू गैस बीच में तो फेंक दी, और वहाँ से हमारे भाई वही सब किनारे किनारे खड़े हुए थे और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया, और उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर ली, और कुछ लोगों को वहाँ से उठा कर लेकर चली गई बंद कर दी। और वहाँ और मेरे पास ये स्टूडेंट हैं जो कोर्ट पेपर्स जिनके हैं फायर में, और उनको उठा कर लेकर चली गई, उनको कही कि ये लोग देशद्रोही हैं, मतलब कि आतंकवादी हैं। और फिर उसके बाद हमारे ऊपर आंसू गैस, और वहाँ पर कुछ महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज भी की, और बोली जब हम लोग वहाँ से कुछ महिलाएं भागने लगी तो पुलिस वालों ने कहा बैठो बैठो, और भी देना है ना, धरना प्रदर्शन देना, और आज़ादी चाहिए तुम लोग को आज़ादी। तो वहाँ से मैम वहाँ से धक्का दे दिए, और वहाँ पर एक लेडीज पुलिस वहाँ पर सभी खड़ी होते, लेकिन वहाँ पर जेंट्स पुलिस आकर अटैक करी, और वो भी औरतों के ऊपर। देखते हैं तेरी नमाज लंबी है, और देखते हैं कि तेरा अल्लाह क्या है। चुप रहा, हां चुप रहा, इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन मतलब बोल रहा हूं, मतलब कि जो पुलिस धक्का दे रही थी वहां पर जाकर मेरा हाथ खुद से पत्थर से लग गया, और वहां पर कट गया मैं, और फिर वहां पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हमारे मौलाना साहिब अली हम लोग स्टिकर रहे थे पार्क में, अली जौहर पार्क में, जब हम लोग बैठे थे तो हम लोग को बड़े गंभीर आवाज में समझाने के लिए आए थे कि आप लोग औरतें हट जाएं, हमें पुलिस वाले अब चले जाएंगे लेकर। तो हम लोग भी यही कहे कि बस हमें 1 घंटे का वक्त दीजिए, हम लोग फजर की नमाज अदा कर कर यहाँ पर चले जाएंगे। तो हम लोग को 1 घंटे की मोहलत नहीं मिली, और जो फोर्स है पुलिस है
चले गए थे, सारे लोग चले गए थे, ये मेरी बहन आपको अभी बता रही है कि सब लोग चले गए थे, फिर भी आकर हम हमला दे कर दिए, पथराव, लेडीज पुलिस थी, और जो हमारे भाइयों को लेकर जा रहे थे तो हम लोग मतलब नारा लगा कर जाने लगे कि हम लोग अपने भाइयों को ना ले जा पाए, लेकिन जो लेडीज पुलिस थी हम लोग पर चारों तरफ से घेर ली, और बीच में हम लोग सुनिए प्लीज, जब हम लोग पथराव सब लोग कर रहे थे, हम लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, तो जेंट्स पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि लेडीज के अंदर आए, लेडीज थी तो हम लोग कुछ नहीं बोले थे, ईट उठाकर इतनी गंदी गंदी गाड़ी दे रहे, इतनी गंदी गंदी गाड़ी दे रहे कि हम लोग क्या बताएं, इन लोगों को कौन अधिकार है, पुलिस किस लिए होती है, किस लिए पुलिस होती है, सेफ्टी के लिए होती है, और ये पुलिस लोग किस लिए सूद खाते हैं यहाँ पर आकर, और कुछ नहीं है पुलिस लोग के अंदर, और मैं ये कहना चाहती मेरे मौलाना को और मेरे भाइयों को, वो मेरे वालदैन है, सबको रिहा करवाएंगे, अगर रिहा नहीं होगी तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग फिर चक्का जाम करेंगे, और फिर तेरह तारीख को बेल है उनकी, आपका दिक्कत अगर बेल के बाद ना होता मैं नहीं कर पाई, मलाना के मन्ना सर जी, यहाँ से जो एसओ है, डीएम है, एसपी है, सब इन्हीं लोग का हाथ है, और जब डीएम आए थे समझाने के लिए मैं उनको सलाम करी और फिर कही कि आप ये सुनिए, जितने हमारी वीडियोस बन रही हैं, हम लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, हमारे भाइयों की वीडियो बन रही है, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो कसूरवार कौन ठहराया जाएगा, तो कह रहे हैं कि बेटा प्यार से बोले, हम ये नहीं कहेंगे बात नहीं बोले, प्यार से बोले, कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, बस आप लोग हटा दिया जाए, तो जब हम लोग तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे, एक घंटा बजा था फजर की नमाज में, हम लोग इतनी मजलिस कहाँ पाएंगे, घर में तो पाएंगे नहीं, सोचिए भी मौका कर ले फजर की नमाज अदा कर ले, फिर हम लोग चले जाएंगे अपने मौलाना की बात माने थे, ये हुआ 13 तारीख के बाद, अगर ये सब नहीं होगा आप लोग 12 तारीख 13 तारीख को फिर प्रोटेस्ट कर सकेंगे, तो हम लोग उठने की कोशिश कर रहे थे, हमारी सारी बहनें वही माँ बहनें थी, हम लोग कोशिश कर रहे थे उठने की, पर हम लोग नमाज अदा करने के बाद उठने के लिए कह रहे थे, और ये जो हमारे नाबालिग भाई हैं तो इनकी तालीम ज़ाया हो रही है, कोई किसी के घर में रोटी नहीं है, ये किसके शोहर में, इनके शोहर चले गए थे, इनकी छोटी सी बच्ची सिर पे, और वहीं सिर्फ कमा कमा कर लाते थे, अब ये भूखी मर रही होंगी ना अगर कुछ नहीं होगा घर में, तो ये सब पुलिस और ये डीएम जो है जालिम है, सबकी सब जालिम है, यहाँ की वजह से सब कुछ हुआ है, यहाँ पर बाकी की कब है, पता नहीं ये हो रहा है, पता करिए, सुनिए ये हो रहा है कि जब खुशी हो जाएगी, दीदी हम जा रहे हैं सबके साथ, सबकी दीदी हम जा रहे हैं मौलाना साहब के साथ, सब बच्चों की बहन सरोरी एक्सिबिशन चार्ज है वो यही धाराएं लगी, धाराएं लगी, मैं रोटेशन में तो हम लोग फिर
तुम लोग मोबाइल ले लो अपने लोग बाद में ये ना हो कोई धमकाए की मत दो यहाँ से फोर्स के लिए जो है सब छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं बोल रहे हैं बाहर पुलिस हम नहीं जाएंगे बाहर पुलिस हम नहीं जाएंगे इनकी माँ मर गई है बाजार में कौन चीज ले खाती लड़कन जेबा न कर आप मम्मी हैं नहीं नहीं उनकी हम इनकी हम जैसे एक बार कॉल करता है ये दूसरी बाजी हमारी पोती भी कह रही थी कि हमारे दादा तो कभी किसी को डांटते भी नहीं थे क्यों पुलिस उनको ले गई और कोई भी बेल्ट वो होती है गाड़ी की आवाज़ आती है तो फौरन दादा दादा दो साल की बच्ची चिल्लाने लगती है एक मैसेज डाल दीदी बस हम चाह रहे सारे बच्चे आ जाए मौलाना साहब सब साथ में रिहा होके घर आ जाए उन पर रेप ना लगा कोई भी धारा या कोई किसी का कुछ छोटा दिया जाए ठीक है हमारी पूरी कोशिश रहेगी मैम हाथ जोड़ रहे हैं मैम जितने बच्चे वो लोग पकड़ना है उनको उसकी जमानत के लिए जमानत वो धाराएं सब खत्म करें तो खत्म करना हम लोग आए तो हमें कोई जगह ढूंढ दिया गया हमने घर कर हम लोग आए तो देखो नीचे चले गए तो हमने घर ये बच्चे थे दीदी बच्चे खाए हम उसे बड़े बड़े तब हमको बड़ा दर्द हुआ हम लोगों से बोले फिर यहीं रहे कल अगर इनकी जमानत है तो यहीं पता करें ठीक हम यहीं रहोगे क्योंकि अगर
उसके बाद भी जो जब कल आपके घर आए थे रात को 11 बजे हमारे सीनियर हमारे दादी हैं नेताजी साहब उन्हें प्लीज हम गए भी थे अस्पताल में भी थे हमारे जितने भाई उनके साथ सभी हमने कहा इनाम लगाया है ना भाई सब ये दिनेश जी है वसीम भाई है ये लोग यहाँ पर नाम उनाम हटवाइए जितना धाराएं लगी उनको काम करवाइए खत्म करवाइए इतना बड़ा धारा लगा जैसे लग बहुत बड़ा मजरी मेरे जाने के बाद भी कोई नहीं हमारे ये ना हो कि मेरे जाने के बाद फिर आके इनको नहीं बिल्कुल नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है जो पुलिस अधीक्षक आप लोग बताए हैं प्लीज मैम उनके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई की जाए नाम लिखवा मोहित तुमने दीदी ये पुलिस दीदी ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं अब तो कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है ये पुलिस वाले क्यों आए यहाँ पे इनको जाना चाहिए आपके पास वीडियो आप बैठ जाइए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पुलिस वाले जितने भी पुलिस वाले दुनिया में हैं ये लोग पब्लिक की हिफाजत करने के लिए रहते हैं या पब्लिक को मारने के लिए रहते हैं ये मारने के लिए बताइए मुझको ये हिफाजत में आते हैं तो एक घंटा का मौका और तो और मांगा था जबकि नमाज पढ़ने के बाद नहीं उठी होती तो ये सब क्या होते क्यों इतना बड़ा जुल्म पुलिस वालों ने हमारे ऊपर किया मेरा एक बच्चा इसी के सहारे रहती थी इन लोगों ने मेरे पास एकदम भोला सौ बच्चों मेरा एक बच्चा था मैं लेके जा रही थी मौलाना साहब के करने पे मेरा बच्चा कहा कि वो अपनी बगल मौलाना साहब हमारे उस्ताद हैं हमारे बड़े हैं हम बड़ों की बात हमेशा मानते हैं हमको मानना पड़ेगा बाबू तुम भी चलो मेरे साथ करा आप भी चलो तुम मैं अभी आ रहा हूँ उसी वक्त मेरे बच्चों को इन्होंने पकड़ लिया लेकिन मैं जिसने मुझे पैदा किया है उससे मैं भरोसा करती हूँ उन्हीं के पास सबको जाना है मुझको भी जाना है पुलिस वालों को भी जाना है कह रहे थे ये लोग बार बार क्यों बुला रहे हैं ये लोग हमारे हिफाजत में खड़े हैं ये लोग इतना भरोसा सब किया हाँ वो दिल्ली की पुलिस है दिल्ली वाले जाने लेकिन हमारे रहते हुए क्या हमारी फ्रेंड्स हैं पीएम साहब से सवाल करेंगे हम पूछेंगे नंबर दीजिए डीएम साहब का पूरा फूल ऑर्डर तैयार किया बेटा तो बोल भी मार कर यहाँ से भगाया जाए सुबह ना होने पाए डीएम साहब बोले थे पुलिस लोग खुद बोल रहे थे ये सब डीएम साहब करवा रहे डीएम के साथ ना हम सबकी डीएम साहब करवा रहे हैं सारी धाराएं लगाए धाराएं धाराएं सा जो मेरे
मुद्दे के बयान दे के सारे लोगों में एक ही धारा एकदम पूरी दिया। हम लोग भी इज्जत करना चाहते हैं, सबसे पहले का नाम डाला का बात हमारा उस वक्त नाम हटा दो हमारा सामान भी सब चोरी करे हैं, कंबल थर्मस गद्दा सब चोरी करे हैं, हाथ में से लेकर नहीं आने दिए छीन लिए। पुलिस वाले क्या कहे, नहीं तो आमीन बोलो। मैं फोक रहेगा पुलिस वालों नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।